सो एक्चुअली मैं इंट्रो शूट करना भूल गई थी. सो हियर्स फ्यूचर प्रणीता शूटिंग द इंट्रो नाउ. सो हाय व्हाट्स अप गाइस, इट्स प्रणीता एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड नाउ बैक टू पहले वाले क्लिप्स. I'm done with my haircut now and here's the final reveal. So I went a little short this time. Like मैंने last time जब भी short किया था उसके बाद मुझे काफ़ी मन कर रहा था वापस short करने का and yeah I feel so good now. Haircut definitely is a therapy, you know. Blow dry के बाद कितने अच्छे लगते हैं बाल यार. ऐसा लगता है काश रोज़ blow dried ही रहे बाल. So I feel so good, so light now. And अभी I need to get a lot of things done. मुझे फटाफट अभी packing करनी है and मैंने कुछ खाया नहीं है. Let's see. भूख भी नहीं लगी है but I need to pack my things up. And yeah, I'll catch you guys in some time now. Packing is done. One bag, second bag and denim. So everything's done now. फटाफट निकलती हूँ अभी, बहुत late हो गया मुझे. So I'm all set to go now with my small ponytail and हाथ में बहुत सारा सामान है. आधा सामान मेरी फ्रेंड पकड़ रही मिल रहा है एंड बिल्कुल भूख नहीं लगी मेरे को. काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है एंड या आई जस्ट हरी अप नाउ. ऑटो लेती हूँ, ऑटो से मेट्रो पहुँचती हूँ एंड उसके आगे का ब्लॉग फिर करती हूँ. बहुत वजन हो रहा है बस अभी. पहुँच गई हूँ एंड आई फील सो गुड एंड माई शॉर्ट है बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई हैव टू रश नाउ और एल्स आई विल बी लेट बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3:30 एंड 4:30 की ट्रेन है मेरी. आई एम सो सॉरी, आई जस्ट कांट टेक माई हैंड्स ऑफ माई हेयर. फाइनली रीच मेट्रो स्टेशन नाउ एंड यहाँ पे आते आते मुझे एक घंटा हो गया. अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई मेट्रो एंड मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है ना कुछ. आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू गेट ऑन ट्रेन नाउ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई एम गोइंग टू यू नो ट्रैवल अगेन. ऐसे एक्चुअली काफ़ी टाइम नहीं, 1.5-2 महीने के बाद ही आई एम गोइंग बट स्टिल. एंड श्रुति डजंट नो दैट आई एम कमिंग, माई मॉम नोज. और उसके अलावा मैंने खाने के लिए लंच ले लिया है, मैंने ब्रेड बटर पैक कर लिया है. वही कर रही थी मैं सुबह से. आई वाज लाइक कि चलो ब्रेड बटर कर लूँगी, ये कर लूँगी, टाइम है मेरे पास. एंड उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बच गया, मैंने फटाफट कर लिया बट अभी ठीक है, मतलब अभी टाइम है. और जैसे मेट्रो आ गई है सो आई जस्ट लीव नाउ क्योंकि मेरी सामान यहाँ पर सारा नीचे पड़ा हुआ है एंड इट्स वेरी हेक्टिक टू यू नो व्लॉग पीछे इतना बड़ा बैग हाथ में सामान. अभी मेट्रो आ गई है, आई जस्ट गो नाउ. सो आई जस्ट गॉट डन फ्रॉम मेट्रो एंड मेट्रो के एकदम सामने 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है एंड यहाँ पे बहुत कुछ है पर मुझे कुछ नहीं लेना, अभी सब कुछ ले लिया. सो वी आर हियर, लेट्स जस्ट गेट इन फटाफट. सो यहाँ पे पहुँच तो गई हूँ मैं एंड लेट्स जस्ट गेट इन क्विकली नाउ. अभी ढूंढना है मेरे को कौन सा बर्थ है, बहुत सारा पर्सन है हाथ में. आई विल जस्ट मूव एंड सर्च माय कोच क्विकली.
next morning. तो अभी बोरीवली स्टेशन जस्ट गए हैं एंड मैंने ट्रेन में बिल्कुल व्लॉग नहीं किया बिकॉज बहुत भीड़ है यहाँ पे एंड मेरा PNR भी चेंज हो गया था, लाइक सीट नंबर चेंज हो गया था इन मोमेंट पे, बट ठीक है, ऑल दैट इज़ फाइन नाउ. एंड अभी बोरीवली सॉरी बांद्रा स्टेशन आने वाला, आई एम सो एक्साइटेड. सो आई जस्ट गॉट डाउन एंड इतना जल्दी फटाफट सारा जर्नी खत्म हो गया, आई एम सो हैप्पी. So I'm finally back in Mumbai, yay! And now I'm just trying to search way out of station. That's it. जैसे मैं बाहर निकली वही फट गई बिकॉज वहाँ पे सब लोगों को रुका रहे थे एंड वहाँ पे काफ़ी सारी लाइन थी एंड बाहर जाने के लिए पूरा उन्होंने ब्लॉक कर दिया था सबको एंड देवर आस्किंग फॉर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, लाइक फुली वैक्सीनेटेड है तो उसका सर्टिफिकेट और एल्स वैक्सीनेशन टेस्ट करा रहे थे एंड लाइक व्हाट द हेल इज दिस नाउ. उसके बाद बट आई एम फुली वैक्सीनेटेड लाइक, सो मेरे पास तो था सर्टिफिकेट, आई शोड इट. उसके आगे आधार कार्ड एंट्री करनी थी बट वो बस बहुत लीनियंटली चेकिंग कर रहे थे, इतना कुछ था नहीं. सो फटाफट मैं तो निकल गई. एक्चुअली मैंने आधार कार्ड एंट्री भी नहीं कराई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड पीपल वर जस्ट यू नो जा रहे थे तो मैं भी चली गई. एंड नाउ आई एम आउट ऑफ बांद्रा टर्मिनस. आई गेस बोरीवली उतर जाना चाहिए था मुझे, वहाँ पे इतना सब ड्रामा नहीं होता. ऐसे ड्रामा कुछ हुआ नहीं बट स्टिल. उसके अलावा आई एम गोइंग टू टेक ऑटो नाउ, ऑटो से हेड होम. एंड बहुत अजीब लग रही हूँ, नींद से उठी हुई, बट या विल टेक ऑटो नाउ. Much later. Wow, light is so good here, है ना? ऐसा लग रहा है मुँह पे ring light लगाया है. Pink वाला. हाँ ना, अच्छा लग रहा है light. So we are at this sweet shop and I was craving for pani puri. Pani puri, not golgappes. Golgappe हो गए. Actually ना इतना जितना hype है ना golgappe का उतना मेरे को पसंद नहीं है. In fact श्रुति को भी इतना पसंद नहीं आता दिल्ली वाला पानी पूरी, सॉरी golgappe. हाँ, मुंबई की बहुत खट्टा रहता है. हाँ, मुंबई की पानीपुरी की बात ही अलग है. क्या बोलते हैं कमेंट्स में मेरे पे चढ़ना हुआ. सो श्रुति, पानीपुरी शेवपुरी, व्हाट विल यू ईट? शेवपुरी. आजकल शेवपुरी में बहुत अच्छी लगती है. ओके, पानीपुरी से ज़्यादा आजकल मैं शेवपुरी. सो वी एट दिस स्वीट शॉप, स्ट्रीट शॉप. यहाँ पे सारा एकदम मतलब पूरा दिवाली वाइब्स आ रहा है सब जगह पे एकदम. दो चश्मे पानी पूरी. सो या व्हाट आई एम सेइंग, क्या हो रहा है मेरे को. या सो आई वाज सेइंग कि पूरा एकदम दिवाली वाइब्स, इतना अच्छा लग रहा है ना. लाइट 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 एंड पीछे ये पे सारा गिफ्ट्स एंड चॉकलेट सब रखा है और ऑफर भी लग रहा है, थोड़े लोग आते जाते हैं. या सो जाते हैं पानी पूरी खाते. सो दैट्स माय फेवरेट पानी पूरी बिकॉज इट्स ठंडी आइस पानी पूरी एंड श्रुति मैड गर्ल. ऐसे गोल में शेवपुरी कौन लेता है, मेरे को पसंद नहीं है. लेट मी नो तुम्हें ऐसी वाली शेवपुरी पसंद है या फ्लैट पूरी वाली चपटी. लुक्स यम्मी पर ऊपर कुछ डाला नहीं है. सो श्रुति का एक बार प्लीज को फॉलो करना, फूड ब्लॉगिंग पेज है उसका एंड हर शेवपुरी इज हियर. एंड क्या लड़की है, इसमें कौन शेवपुरी खाता है गोलपुरी में, लेट मी नो कमेंट्स में. ऐसे फ्लैट पूरी में पसंद है या इसमें पसंद है, मुझे तो फ्लैट पूरी में पसंद है. मेरे को तो ऐसे ही पसंद है और रगड़ा के साथ. नहीं, मुझे आलू वाला. मैं खाती हूँ अपनी ठंडी आइस पानी पूरी. मैं पानी पूरी फाइनली हियर. यू नो द दिवाली प्रिपरेशन है स्टार्टेड, जब भी मम्मी चक्की में लेके जाने बोलती है. You know that Diwali preparation is started. जब मम्मी चक्की भेजती है बार बार, ये पीस के लाओ वो पीस के लाओ. Obviously दिवाली एंड फराह प्रिपरेशन. एंड श्रुति अभी अभी जाके आई है चक्की, ये हुका आटा पीसते. चक्की क्या बोलते हैं, घर घंटी कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते, कुछ इससे लिखा होगा. और अभी हम बस वेट कर रहे हैं कि वो फटाफट बन के मिल जाए, उसके बाद हम लोग वो रख दें. एंड बैक फ्रॉम स्कूटी, बहुत मिस किया मैंने. सबसे ज़्यादा मेरे को मिस करती हूँ ना मैं बैक ऑन स्कूटी पे बैठी हूँ मैं अभी ऐसे.
हाँ तो मैं कह रही थी कि आई मिस इट सो मच लाइक श्रुति के साथ स्कूटी पे घूमना, लाइक रैंडमली घूमना कहीं पे भी बेस्ट, मतलब उसमें बहुत मज़ा आता है। हम लोग कहीं पे भी ऐसे नॉर्मल चीज़ें भी लेने जाए या कुछ खाने वगैरह जाए एंड कोई गाड़ी आ रही है तो इतनी अच्छी लाइट लग रही है। एनी वे सो अभी हो जाने के बाद विल गो समवेयर कुछ खाने मे बी एंड इफ नॉट खाने वाओ गॉड ब्लेस यू। लोग पागल समझेंगे, रास्ते के बीच में लिटरली हम लोग खड़े रह के बक चोरी कर रहे हैं चक्की के बाहर। एंड उसके अलावा पैसे निकाल ओ वेट